हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने से एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि मैं ऑयली स्किन के लिए डे टू नाइट स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप अपना स्किन केयर रूटीन बनाना चाहती हैं तो आप उसे कैसे फॉलो कर सकती हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है, अगर हम मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है फेस वॉश का। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करना पसंद करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही ले लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, एक्ने प्रोन है, पिंपल प्रोन है, तो आपको कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस पर। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे दो फेस वॉश सबसे ज़्यादा पसंद है। एक है हिमालय का नीम फेस वॉश और दूसरा है अरोमा मैजिक का टी ट्री फेस वॉश, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अगर आप चाहें तो वहां से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास है हिमालय का फेस वॉश और मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। मैं आपको क्लीन करके भी दिखा देती हूँ। और मैंने हिमालय का फेस वॉश ही यूज़ किया है, फिलहाल अभी मैं वही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पे मैंने एक शीट मास्क ले लिया है और इससे मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। ये देखिए, कुछ भी नहीं निकला क्योंकि मैंने अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया था अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है वो होता है एक्सफोलिएटर का या फिर स्क्रब का। अब स्क्रब डिपेंड करता है कि आप वीक में कितनी बार स्क्रब करते हैं, या दो वीक में एक बार स्क्रब करते हैं, या तीन वीक में एक बार स्क्रब करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी पर्सनल चॉइस पे। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं हनी को यूज़ करती हूँ, यानी कि शहद को यूज़ करती हूँ स्क्रब की तरह, जो कि मेरी स्किन पे काफ़ी सॉफ्ट, जेंटल होता है, माइल्ड होता है और साथ ही साथ मेरी स्किन को एक्सफोलिएट भी देता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए सेफ भी है। तो मैं हनी लेके आती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी, मतलब थोड़ी सी हनी ले ली है। कोई इसमें फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि आपको कितना लेना है, मतलब कि आधा चम्मच इनफ है बस, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो मैंने, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने हनी कौन सी यूज़ की है, तो मैंने डाबर की हनी यूज़ की है क्योंकि मेरे पास यही है। तो बस आपको हनी लेना है और अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। हल्के हाथों से मसाज करिए। अब इसके बाद इस हनी को मैं कम से कम 2 से 5 मिनट तक अपने फेस पर रहने दूंगी और उसके बाद मैं हल्के गुनगुने गर्म पानी से अपने फेस को वॉश करूंगी। ध्यान रखिएगा कि अगर आप हनी यूज़ कर रहे हैं तो आपको हल्के गुनगुने गर्म पानी से अपने फेस को वॉश करना है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोई स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हनी ही यूज़ करें। मैं हनी इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि हनी जो होता है वो हमारी स्किन पर मतलब बहुत इफ़ेक्टिव वर्क करता है, और इसके जो बेनिफिट हैं यानी इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं आपको बता दूं कि मैं हनी को डेली यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। टाइम नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं कि कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिल गया या जब भी मेरा मन कह गया तब मैं हनी को फेस पे अप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं डेली अप्लाई करती हूँ। तो अब हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद और इसको मैं वॉश करके उसके बाद आपसे।
तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और वॉश करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हल्के गुनगुने गर्म पानी का आपको यूज़ करना है। अगर आप बात करें कि हमारे नेक्स्ट स्टेप की, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक का। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप दिन में एक फेस पैक अपने फेस पर ज़रूर अप्लाई करिए। चाहे मुल्तानी मिट्टी को ही पानी में मिक्स करके आप फेस पैक बना के अपने फेस पे अप्लाई करिए, लेकिन कोई एक फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई जरूर करिए। फिलहाल आज के लिए मैं यूज़ करूँगी बेला वीटा का ऑयल कंट्रोल एंटी एक्ने नीम चंदन फेस पैक। तो इसके बारे में मैं आपको दो बातें बता देती हूँ। पहली बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो में मैं इसे क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी इसे कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ तो मुझे यही फेस पैक यूज़ करना है। दूसरी बात यह है कि मेरे फेस, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्ने हो गए हैं, तो उसके लिए भी मुझे यही फेस पैक यूज़ करना है। देखिए, अगर आप जो फेस पैक यूज़ करते हो आप उसे यूज़ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम फेस पैक यूज़ करिए, कोई रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारी पर्सनल चॉइस पे। फिलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ भी यही शेयर करूँगी। आप चाहें तो आप कोई भी अदर फेस पैक यूज़ कर सकती हैं। मैंने अपने फेस पे फेस पैक अप्लाई कर लिया है। अब इस फेस पैक को मैं तब तक अपने फेस पे रखूंगी जब तक ये ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद ही मैं इसे क्लीन करूंगी। तो मैंने फेस पैक को रिमूव कर दिया है, और फेस पैक को मतलब वॉश करने के लिए अपने फेस को नॉर्मल वाटर का ही यूज़ किया था। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो है हमारा टोनर। तो टोनर के लिए फ़िलहाल अभी मैं रोज़ वाटर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो हिमालय का टोनर था वो फिनिश हो चुका है, और मुझे रोज़ वाटर को टोनर की तरह यूज़ करना काफ़ी पसंद भी है, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं और इनमें कोई केमिकल नहीं होता है। फ़िलहाल मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको जो टोनर पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम टोनर यूज़ करें। तो मेरा टोनर जो है वो अप्लाई हो गया है। अब बारी आती है हमारे फेस को मॉइस्चराइज करने की। तो पहले आप टोनर को अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने दें, उसके बाद ही आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। तो देखिए, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ डे और नाइट दोनों का स्किन केयर रूटीन, तो जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है फेस मॉइस्चराइजर का। तो अगर आप डे टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हैं तो आप यूज़ कर सकती हैं डे क्रीम, और अगर आप नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हैं, मतलब नाइट में अपना स्किन केयर रूटीन कर रही हैं, तो आप यूज़ कर सकती हैं नाइट क्रीम अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं लॉरियल की इस नाइट क्रीम को यूज़ कर लेती हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए भी, क्योंकि मैं डबल मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती हूँ। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो स्किन थोड़ी सी ऑयली चिपचिपी हो जाती है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसे ही यूज़ करती हूँ नाइट में अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए भी, और साथ ही साथ अपने नाइट क्रीम के लिए भी। तो
तो अगर आप बात करें डे टाइम में मॉइस्चराइजर की, तो अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि या तो आप कोई ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर यूज़ करें, या फिर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करें, या फिर अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप यूज़ कर सकती हैं एलोवेरा जेल, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए एलोवेरा जेल सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर होता है। लाइट वेट होता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन के ऑयल को भी कंट्रोल करके रखता है। मैंने आपको दो कई ऑप्शन दे दिए हैं, अब जो भी आपको सही लगे आप वो यूज़ कर सकती हैं। फिलहाल मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम एलोवेरा जेल यूज़ करें, आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर सकती हैं, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं यही एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो डे टाइम स्किन केयर रूटीन है वो कंप्लीट होता है, लेकिन इसके बाद आपको सनस्क्रीन भी अप्लाई करनी है। अगर डे टाइम है तो सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए, अगर नाइट टाइम है तो सनस्क्रीन स्किप कर दीजिए। यहाँ पे मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होगी। फिलहाल मुझे नहीं है क्योंकि मैं उसके लिए अलग से काम करती रहती हूँ, लेकिन अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप एक अंडर आई क्रीम जरूर यूज़ करें। अगर आप कोई अंडर आई क्रीम यूज़ नहीं कर रही हैं तो आप उसकी जगह पे जो भी आपकी नाइट क्रीम है उसकी एक हल्की सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेके, मतलब कि एक मटर के साइज़ की एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेके, और अपनी आईज़ पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, जो कि आपकी अंडर आई क्रीम का भी काम करेगा। यहाँ पे एक बात और, अब आप सोच रहे होंगे कि फेस मिस्ट को कब यूज़ करना है, या फेस मिस्ट भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो उसे कब यूज़ करें। तो फेस मिस्ट आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप मेकअप के पहले यूज़ करें, मेकअप के बाद यूज़ करें, या अगर आप मेरी तरह हैं जो मेकअप नहीं वियर करती हैं घर पर, तो आप फेस मिस्ट को दिन भर में कभी भी यूज़ करती हैं। फिलहाल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं 2-2.5 बजे के आसपास अपने फेस को वॉश करती हूँ, तो उसके बाद मैं सिर्फ फेस मिस्ट ही यूज़ कर लेती हूँ, बाकी और मैं कोई मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती हूँ। तो ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना स्किन केयर रूटीन कैसे रखना चाहती हैं और कितना इजी या कितना सारे प्रोडक्ट उसमें ऐड करना चाहती हैं। अगर एक सिंपल वर्ड में बात करूँ तो आपका जो स्किन केयर रूटीन होना चाहिए वो सिर्फ 4 स्टेप का होना चाहिए। पहला है आपका फेस वॉश, दूसरा है आपका टोनर। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि अगर आप वीक में एक बार स्क्रब अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दूसरा है टोनर, तीसरा है फेस पैक। फेस पैक जरूर यूज़ करिए, दिन भर में एक बार कोई एक फेस पैक जरूर यूज़ करिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको फेस पैक जरूर यूज़ करना है। और चौथा है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के तौर पे आप डे क्रीम यूज़ कर सकती हैं, नाइट क्रीम यूज़ कर सकती हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरा ये स्किन केयर रूटीन, मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चाहती हैं कि मैं फिलहाल मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है कि मैं अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूँ, स्किन केयर रूटीन नहीं कि मैं डे से नाइट तक, मतलब डे टू नाइट तक मैं अपने फेस पे कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करती हूँ या कौन कौन से प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ, तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और उसमें एक चीज़ ये भी है कि मैं हनी भी अपने फेस पे डेली अप्लाई करती हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहूँगी कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।